मेरा कोई कसूर नहीं है। बहुता मासूम बनने की कोशिश ना कर, तेरा कसूर है या नहीं है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामा आप तो बस मुझे हर वक्त निकम्मा और निखट्टू कहती रहना, अब जितना पैसा मिले ना वो सारा मुझे दे दिएगा, मैं आपको बिजनेस करके दिखाऊंगा। मैं आपको और सफिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ, रूबा पे इल्जाम मत दें क्योंकि उसने पहले खत में वाज़े तौर पे लिख दिया था कि ये खत वो सफिया के कहने पे लिख रही है। वादम और रोमा को यहाँ टेरेस पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। अजी साहब ये जगह मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे तो हम दोनों यहाँ टेरेस पर बैठ के नूर यहाँ के गाने सुना करेंगे। नूर जहाँ के हाँ हाँ, तो चलिए गुनगुनाइए ना कोई गाना। क्या हो गया आपको है? बच्चे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? भाई बच्चों ने क्या कहना है, बीवी है आप हमारी। हाँ ये बात तो है। शुरू सुनाऊं? चलिए सुन। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मैंने समझा था कि तू है तो दरक्षण है हयात, तेरा गम है तो गमी देहर का झगड़ा क्या है। रिहाना भाभी, रिहाना भाभी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। रिहाना से मिलने आई हो? जी वो उन्होंने बुलाया था, शायद कोई मसला होगा, मैं पूछ के आती हूँ। अल्लाह खैर करे, बड़ी बन रही है आजकल इन दोनों में। क्या मुसीबत है भाई, रियाना भाभी अपने कमरे में होगी। खोलो मेरा प्यारा सब बच्चा। अरे रियाना भाभी आप यहाँ बैठी और मेरा अम्मा जी से टकरा हो गया। मैं तो ऊपर से दुआ मांगती हुई आ रही थी कि बुड्ढी ना मिल जाए, मगर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। अरे अम्मा जी सारा दिन लाउंज में बैठी रहती हैं, जासूस कहीं की कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारी टो रखती हैं। दफा करे, अब तो ये घर हमारे कब्जे में आ गया, खुद मुख्तार हैं हम यहाँ के। अरे कोई खुद मुख्तारी नहीं है जब तक ये दोनों यहाँ हैं, और अब्बा जान को तो अभी भी ऑर्डर चलता है। कल बेचारे कुछ लोग एक माजूर बच्ची को लेके आए थे, दो मिनट में दौड़ा दिया उन्होंने। वो तो शुक्र करो उनके पास मेरा मोबाइल नंबर था, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें दोबारा बुला लिया। तौबा है भाई, किसी की परेशानी और दुख का कोई ख्याल ही नहीं है अब्बा जी को। हाँ तभी तो अब मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ सबको, ताकि डायरेक्ट मुझे फोन करे और मुझे इत्तला देकर आए। क्यों? हाँ जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। अरे शहीद गंदे बच्चे, ये क्या गंदगी खा रहे हो, निकालो मुंह से, निकालो थूको। अभी तो तुम्हें मैंने कितने सारे ये केले सेब खिलाए, चलो गंदा बच्चा आओ, चलो तो चलो आ जाओ मेरा बच्चा, चलो आ जाओ, चल 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 चलो चलो मुंह साफ कर, चलो हाँ चलो आ जाओ। तौबा, इस जिंदा लाश को पालना भी एक अजाब है। हाय मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा, मेरा आमिर ऐसा नहीं है। ये तो रिहाना की हिम्मत है जो इस लाश को संभाल रही है, मुझ जैसी तो अपना जहर देके मार डाले, काम ही तमाम हो जाए। मैं तो जाऊं कहीं ये बुड्ढी ना हो जाए। वकास का फोन,
हेलो जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी फौजिया कहाँ है? फौजिया से बात करवाइए। वो बेटा तुम उसको मोबाइल पर फोन कर लो। मोबाइल पर क्यों अम्मी? कहीं गई है फौजिया? बेटा वो ऑफिस चली गई है। क्या वो ऑफिस गई है? मगर क्यों? मैंने उसे समझाया भी था कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो ऑफिस नहीं जाएगी, और बाद में भी वो ज्वाइन करेगी या नहीं ये हम सोच समझ कर डिसाइड करें। वकास बेटा तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी को मुश्किल क्यों बना रहे हो? अभी तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। फौजिया से ये जिद लगाना छोड़ दो बेटा। मैं तो पहले भी तना थी और अब भी नहीं अम्मी। अब बात कुछ और है। अब पहले वाली बात नहीं रही है। अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी को आपके पास होना चाहिए आपकी खिदमत के लिए। बेटा मेरी खिदमत करना उसका फर्ज नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी सादतमंदी से मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। बेटा खुदा तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। तुम फौजियों को मजबूर मत करो जॉब छोड़ने के लिए। अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसे करने दो। नहीं अम्मी नहीं। इस दुनिया में मेरा वाहिद रिश्ता आप ही हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बहन भाई, ताकि मेरे दोस्त तक सिर्फ आप ही हैं। मेरी जान मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को आसान देखना चाहती हूँ। बेटा फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ मैं आके बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मना किया था मैंने इसको, नहीं सुनी इसने मेरी बात। तेरा बेड़ा गर्क जाए नी कड़ी हड हराम है। तू हाले तक तूने काम ही नहीं मुकाया। नी यहाँ किसकी यादों में खोई हुई है? कार में इतना जो काम पड़ा हुआ है तेरी माँ ने आके करना है। छे छे काम का फिर उसके बाद हांडी भी पकानी है कि मर नाली में आनी है। नाली में आनी है ना तो फटाफट अपनी खेड़ा छाड़ देंदी चलाको मस। क्या जिंदगी है मेरी, हर वक्त डांट डपट, हर वक्त लानता। जब से सफिया की बात गलत साबित हुई है तब से मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। ताई जी और सफिया ने मेरे खिलाफ एक नया मुहाज खोल लिया है। जलील कर दिया है मुझे। फकीर की तरह दो रोटियां खाने को मिलती है वो भी जिल्लत के जूते खा खा कर। नानी अम्मा आपने मुझे क्यों भेजाया? क्यों? मेरी गलती इतनी बड़ी भी तो नहीं थी ना। क्यों भेजा है मुझे आपने?
दादी अम्मा, आप इस तरह अकेले क्यों बैठी हैं? आपको कुछ चाहिए? नहीं। चले मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और सबने खा लिया? जी बस मैं रह गई हूँ। चले आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? आप बैठे, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आई। बाबू मैंने और नाजिया ने मिलकर बनाई है। लो भाई नाजिया, तुम्हारा सारा क्रेडिट रूबा लेके चली गई। अब्बू इसने तो सिर्फ चम्मच हिलाया था, और वो भी तब जब मेरी दोस्त का फोन आया था। और ये जर्दा मैंने खुद बनाया, किसी की मदद के बगैर। वैसे बेटा मजा आ गया, बड़ी मेहनत की है तुमने। वैसे कितना टाइम लगा था तमाम चीजों को बनाने में? देखो भाई, हमारी बेटी का कोई मजाक ना उड़ाए, इसने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, अरूबा से तो इतना ही काम हो सकता है, और ये भी बहुत है। दादी अम्मा खाना। दादी अम्मा, दादा अबू कहाँ है? कहीं गए हैं? अपने दोस्त रमजान साहब के घर गए, उनकी पोती की मंगनी की रस्म थी ना आज। अच्छा अच्छा, साइमा की। हाँ चलें शुरू करें, मैं आपको अपने हाथों से खिला। नाजिया तुम यहाँ बैठी थी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि शहीर के लिए खीर बना के ले आओ, और तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। जरा सा भी एहसास से जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें? फजूल बातों के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास। दादी अम्मा खाना तो खा ले। अम्मी क्या हो गया है आपको? मैंने तुम्हें काम के लिए कहा था और तुम यहां आकर टिक गई। मैंने खाना नहीं खाया था। तुम खाना खा रही थी या खिला रही थी? मुझे पता है कि आपको किस बात पर एतराज है और आप क्यों गुस्से हैं। कितने अफसोस की बात है ना अम्मी, क्या दादी अम्मा आपके लिए इतनी अजनबी हो गई हैं? अच्छा अच्छा खाना खाओ, और जाकर शहीर के लिए खीर भी बना के लानी है अभी तुम्हें। कुलसुम? कुछ नहीं हुआ। तो फिर रो क्यों रही थी? रेहाना ने कुछ कहा? नहीं, आज मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम सब मिलकर टेबल पर खाना खाते थे, कितनी रौनक होती थी। हाँ तब हवस लालच और खुदगर्जी नहीं, प्यार मोहब्बत और कनात खुशी का सबब बनते हैं। बरकत इत्तफाक और सब्र से ही खानदानों में मोहब्बतें बनती हैं। अब ये घर घर नहीं मकान बन गया, और हमें कल शाम तक ये मकान छोड़ना। नोटिस आ गया है? इतनी जल्दी? अभी तो 15 दिन बाकी थे अजीज साहब। अब तो कूच का वक्त है कुलसुम बेगम, हमने 15 दिन इधर उधर किए, आपकी दोनों बहुओं ने तो घर भी तलाश कर लिया है, और हमने कौन सा घर तलाश करना है? बस ये दो ट्रंक उठाएंगे और चले जाएंगे।
रमजान साहब के यहाँ सारे मोहल्ले वाले बड़े अफसोस और दुख के साथ मोहब्बत का इजहार करके मुझे रोकना चाह रहे थे, मगर मैं कैसे रुक सकता था। अपने ही घर से महरूम जो कर दिया गया हूं। वकार साहब बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। मैं अम्मी की इजाजत से गई थी। उनकी इजाजत के साथ साथ तुम्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। अच्छा, लेकिन आप तो कहते हैं कि आपकी माँ की हर बात काबिले एहतराम है और उनकी किसी बात को आप रद्द नहीं कर सकते। हाँ, कहता था, मगर मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने अम्मी से परमिशन ले तो ली, लेकिन जिस तरीके से ली वो कभी इनकार नहीं कर सकती थी। मैं अम्मी के कमरे में जा रहा हूँ, मुझे उनसे काम है। अब ये नखरे दिखाएंगे, क्या मुसीबत है। सोचा था कि अम्मी के यहाँ जाऊंगी, लेकिन मियाँ साहब का मिजाज ही ठिकाने पे नहीं है। चाहते ही तो जाके बैठे अपनी माँ के पास, मैं भी नहीं जाऊंगी वरना सर पे चढ़ जाएंगे। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। आए हाय, पता नहीं जाहिद कहाँ रह गए। आप लोग तैयार हो? हम तो तैयार है, सामान पहुंच गया। हाँ, वो आमिर को बता दिया था, मजदूरों से सेट करवा लेगा। तहसीन, चलो अब चले। सबका दे दिया था तुमने? जी अम्मी जान। शाबाश बेटा, अब चलो चले। अरे हाँ अम्मी, चलते हैं। जरा संभल के सीढ़ियाँ उतरिएगा, बस चुप करें, सीढ़ियों से जान तो छूटेगी। तहसीन, अम्मी जान और अब्बा जी से तो मिल लेना। क्यों, हज करने जा रहे हैं हम? कैसी बातें कर रही हो, अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कब आना हो यहाँ पे। कम से कम प्लीज मेरी बात मानो। अम्मा आप समझाओ ना, ये क्यों नखरे कर रही है, मान क्यों नहीं रही है बात मेरी। हाँ भाई, अगर ये इतना कह रहा है तो मान जाओ इसकी बात, अब चलो मिल लो ना, क्या आ रहा है। अच्छा भाई, चले चलो। सामान कौन लेगा? आहिस्ता तो बात कर लो, आज तो आहिस्ता बोल लो। चले अम्मी जान। अरे अम्मा, ध्यान से उतरिएगा सर थोड़ा सा। जाहिद, अपने अम्मा अब्बा से खुद ही मिल लेना, हम लोग गाड़ी में जाके बैठ रहे हैं। अरे तुम मेरी बात तो। अरे बस कह दिया ना मैंने, चुप करो। हर बात यार, जाते जाते मिल लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, जिंदगी का क्या पता है। अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि तुम्हारे नाना ने वहां तुम्हें क्यों भेजा। धनी अम्मा, मेरा आशियाना। बेटा, खत्म हो गया हमारा आशियाना। आशियाना बनता है जब जुड़ता है। दादाबू चले। धड़कने जिनसे बंधी है उन्हें तन्हा ना करो, बहता